जी अद्भुत लीला। आज पता नहीं मैं खुद भावुक हो रहा था, मैं सुनते ही जा रहा था। मैं एक और प्लस आपने नीम करोली बाबा जी का बखान किया, मैं बहुत इमोशनल हो रहा था जब आपने कहा कि मैं अपने पिताजी को बुलाने गई और जब मैंने हाथ रखा। प्लीज कंटिन्यू। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं बालाजी महाराज से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए, मोस्ट वेलकम। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी भैया, मेरा नाम पल्लवी शर्मा है, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा ससुराल रुड़की जिला हरिद्वार में है और प्रेजेंट टाइम में मैं कौसानी जिला बागेश्वर में रह रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा जानकर, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। दूसरा सवाल आपको बताइए है कि ये जो सेशन है हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, उनकी पूजा पाठ सबसे पहले कब शुरू किया, कौन से पाठ वगैरह करते थे, आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। और हो सके तो चलो तीसरा सवाल भी इसी में जोड़ देता हूँ, आपके जो भी अनुभव है आप कंटिन्यू उससे करिएगा, जो भी आपके अनुभव है जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो या कोई संकेत मिले हो, तो वन बाय वन अपने अनुभव को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी भैया, जैसा कि भैया मैं, मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ तो बचपन से ही घर का माहौल उसी तरह का था। मेरे दादाजी प्रकांड पंडित और ज्योतिषाचार्य थे। ओके। तो वो दिन में दो बार सुंदरकांड का पाठ करते थे, सुबह और शाम। मतलब हम जब भी उठते थे, तब तो हम छोटे बच्चे थे मैं और मेरा भाई, तो हमने अपने दादाजी को हमेशा सुंदरकांड का पाठ करते हुए ही देखा है। जैसे उच्चारण करके बोलते थे तो हमें बचपन में ही लगभग सुंदरकांड कंठस्थ हो गया था। अद्भुत। और हमारे घर में अखंड दिया जलता था, मेरे दादा और दादी दोनों उसका ध्यान रखते थे। तो दिन भर हम उसी वातावरण में रहते हुए बड़े हुए। फिर मेरे मम्मी और पापा वो दोनों भी हनुमान जी के परम भक्त। मेरे पापा को मतलब जब भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई, कुछ भी हुआ, बस मेरे पापा सुंदरकांड का पाठ करने बैठ जाते थे और संकल्प लेते थे वो, जैसे 40 दिन का, मतलब बड़े बड़े संकल्प, और उसके लिए पूरे प्रयास करते थे। उन दिनों कहीं बाहर का नहीं खाते थे, नियत समय पर, नियत स्थान पर, नियत वस्त्र पहन के और वो पाठ करते थे 40 दिन का संकल्प। और मम्मी में 21 दिन का संकल्प लेती थी। तो बचपन से हम वो सब वातावरण देखते हुए बड़े हुए। तो सुंदरकांड तो जैसे जब भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं भी सुंदरकांड ही पढ़ती हूँ और मेरे हस्बैंड भी अब भी डेली सुंदरकांड पढ़ते हैं। क्या बात है। उनका पूरा नियम है, सुबह 8 बजे जाते हैं, वो केंद्रीय विद्यालय कौसानी में है, यहाँ पोस्टेड, सुंदरकांड का पाठ करके ही वो स्कूल जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, अद्भुत लीला। आपकी जर्नी जो शुरू है ना, भाग्यशाली हो कि आपका बचपन इस तरह गुजरा, आपके घर में वो वातावरण था। और बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये वातावरण मिलता है बचपन से ही, तो बचपन से ही जो आपके रूट्स हैं वो पहले से रिलीजियस रहे हैं। और यस, सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है, बहुत शक्तिशाली पाठ है हमारे प्रभु का, एक भक्त की जीत का कांड है वो, जिसमें उनकी लीलाओं का बखान किया गया है, जो भी बड़े बड़े असंभव कार्य उन्होंने उस समय किए थे, मतलब उन्होंने, मतलब उनकी, उनका वर्णन किया गया है। और नॉर्मली नॉर्मल भक्त छोटे मोटे संकल्प में भी कई बार उनको बहुत टफ हो जाता है, और आपके दादाजी और आपके पिताजी सुंदरकांड का संकल्प यानी 40-40 दिन का, अद्भुत। ये प्रभु उनकी, ये उनकी कृपा है, उनकी मर्जी के बिना ये नहीं होता, बहुत विशेष कृपा है आपके परिवार पर। प्लीज कंटिन्यू करें। मैं अपना पहला अनुभव बताना चाहती हूँ। जी, शादी हुई थी जन्म में, तो 2005 से 2008 तक की मैं आपको जर्नी बताना चाह रही हूँ। मतलब मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। ओके। उस कितनी तरह की बाधाएं आई इस दौरान,
मैंने दो बार आईयूडी को फेस किया। आईयूडी होता है मतलब व्हेन वी लॉस्ट इट एट द टाइम ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब आफ्टर 6 और 7 मंथ में। ओके उसको आईयूडी कहते हैं। मुझे भी ये सब नहीं पता था, डॉक्टरों ने बताया बाद में। तो मैंने 2005 से 8 तक दो बार फेस किया ये, मतलब फल मिलने को होता था और चला जाता था। तो 2008 में निराशा बहुत ज्यादा हो गई। उस समय मेरे हस्बैंड सूरतगढ़ में पोस्टेड थे, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। तो कहीं से कोई आसरा ही नहीं नजर आता था, क्या करें क्या ना करें। ज्यादा तब एज भी नहीं थी। फिर एक मेरी दीदी थी, वो आई तो मैं लेटी हुई थी बिस्तर पे, तो उन्होंने जैसे होता है ना मुझे एक गहन गर्त से उठाया कि तुम उठो, तुम्हारे आगे तो अभी बहुत लाइफ बची है और अच्छा होगा। मतलब वो हमेशा मुझसे पॉजिटिव ही बोलती थी। तो आज मैं याद करती हूँ, तो उस दिन वो जब मुझसे मिलने आई थी तो शायद हनुमान जी ने ही उन्हें भेजा होगा। फिर अगले दिन वो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चलो स्कूल जॉब करो। तो उनके स्कूल में बाय चांस एक साइंस टीचर की जॉब खाली थी, तो मैंने जॉब करा। तो करते करते मुझ में एक पॉजिटिविटी आने लगी। जब मैं प्रेयर होती थी, मैं 9th और 10th को साइंस पढ़ाती थी, तो प्रेयर के बाद हमेशा मैं प्राइमरी सेक्शन में जाती थी और मैं छोटे छोटे बच्चों को खूब प्यार करती थी। और मुझे इतनी खुशी मिलती थी ना उन बच्चों को, मैं सोचती थी कि मतलब कितने प्यारे बच्चे हैं, भगवान ने कितने सुंदर सुंदर फूल खिला रखे हैं। किसी के मैं गाल टच करती थी, किसी को प्यार करती थी, ऐसे करके फिर मैं अपनी क्लास में ऊपर जाती थी। और वो दीदी मुझे बराबर मोटिवेट करती थी, प्लस अब पेरेंट्स का, मेरे सास ससुर का, हस्बैंड का, सबका बहुत सहयोग रहा मेरी लाइफ में। फिर धीरे धीरे करते करते उनका मोटिवेशन मिलता रहा, मैंने बीएड करा बीकानेर यूनिवर्सिटी से उसी दौरान। मतलब ये सब बहुत कम समय में होता चला गया। फिर वो दीदी ही हमें सूरतगढ़ में खेचड़ी हनुमान जी का मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, हमारे घर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर वो पड़ता था। तो हमें वो वहां लेकर गई, हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ चारों तरफ रेत ही रेत थी और उसमें खेचड़ी हनुमान जी का वहां मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। फिर हम अक्सर वहां जाने लगे। मन तो दुखी रहता था, अपने आप को बिजी रखने के लिए मैं शाम को भी ट्यूशन लेने लगी, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा बिजी रहूं। और वो भी मोमेंट ऐसा था जो मेरी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिविटी ला रहा था। फिर मुझे वहां सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया सूरतगढ़ में, सबने कहा तुम सालासर हनुमान जी के मंदिर जाओ। मुझे तब नहीं पता था इतना, चुरू डिस्ट्रिक्ट में है वो, तो हमारे मन में एक आशा की किरण जगी कि हम भी जाएंगे, कि वहां धोक लगा के आओ, वहां सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो फिर हम लोग भी गए सालासर बालाजी। तो वहां पर नारियल बांधते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है नारियल अपने आप गिरता है वहां। तो जब हम नारियल बांध रहे थे तो बहुत लोगों के नारियल गिर रहे थे, तो मैं मन में सोच रही थी कि हे प्रभु, लगता है उनकी इच्छा पूर्ण हो गई होगी जिनके नारियल गिर रहे हैं, आप हमारा भी ऐसे ही गिराना। तो फिर हमने वहां सवा मनी करी। सवा मनी चूर में की होती है वहां। इन सब बातों का हमें ज्ञान नहीं था, वहां जाके हमने ये सब देखा कि ऐसे हो भी होता है, तो हमने कहा हम भी करेंगे। तो हमने चूर में सवा मनी करी, थोड़ा सा प्रसाद उन्होंने हमें दिया था। तो फिर हम आ गए, मेरा बीएड चल ही रहा था। बीएड करते करते ही मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। हमारी शादी की 4th एनिवर्सरी थी वो उस दिन। तो उस दिन मैंने टेस्ट करा 21 जनवरी 2009 को। तो जब मेरे हस्बैंड आए तो मैं उनके लिए एक स्वेटर लाई थी, तो मैंने वो गिफ्ट दिया और उसके ऊपर वो टेस्ट किट रख के उन्हें गिफ्ट करा। तो एक बार को तो बहुत खुश हुए हम। फिर मन में डर बैठ गया कि अब आगे क्या होगा। तो खैर चलती रही यात्रा। फिर धीरे धीरे परिस्थितियां फिर से प्रतिकूल होने लगी, मतलब 3rd मंथ के बाद से फिर सब ऐसे ही। लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि मैंने सालासर बालाजी में जो नारियल बांधा है ना, वो मेरी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। फिर मेरे हस्बैंड ने डेली सुंदरकांड का पाठ करना स्टार्ट कर दिया। डेली वो सुबह शाम सुंदरकांड करते थे और हनुमान चालीसा, मतलब उन्होंने कई बार संकल्प लिए, कभी 108 कभी 100, जितना वो कर सकते थे अकेले, क्योंकि मैं तो सहयोग कर नहीं सकती थी तब। 3rd मंथ से मेरी हालत खराब होने लगी थी, तो वो बराबर करते रहे। फिर उन्होंने वो नंगे पांव जाना शुरू कर दिया खेचड़ी हनुमान जी के मंदिर। वो नंगे पांव डेली सुबह जाते थे 4:30 बजे उठ के। और इधर मेरा चल रहा था
धीरे धीरे स्थिति डाउन हो रही थी, अप पे नहीं जा रही थी। फिर मैं रुड़की आई, रुड़की में मुझे एडमिट होना पड़ा। फिर मैं गाजियाबाद चली गई अपने मम्मी पापा के पास। धीरे धीरे करके फिफ्थ मंथ आ गया, 2009 की बात बता रही हूँ मैं आपको। फिर हम फोर्टिस हॉस्पिटल गए, मैं अपने मम्मी पापा के साथ, हस्बैंड भी थे। फोर्टिस दिल्ली में जो हॉस्पिटल है, हम लोग वहां गए। तो वहां मैंने कहा मैं यहाँ की एचओडी को ही दिखाऊंगी, मैं और किसी को नहीं दिखाऊंगी। तो भैया मैंने 4-5 घंटे एचओडी का वेट करा। हालत मेरी ऐसी थी नहीं कि बैठ भी पाती। फिर एचओडी आई, उन्होंने मुझे चेक करा, कहने लगी तुम एडमिट हो जाओ, मतलब ठीक नहीं है सब। मैंने कहा ठीक किस मायने में नहीं है, यानी कुछ भी चीज अंदर अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हारी रिपोर्ट्स भी अच्छी नहीं है, तो तुम एडमिट हो जाओ और आगे मतलब मत प्रोसीड करो। तो हाँ, फिर बाहर आके मैं बैठ गई और रोने लगी, बहुत ज्यादा निराश हो गई थी तब मैं। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि चल बेटी उठ, घर चलो, कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा पापा ऐसे क्यों कह रहे हैं, तो फोर्टिस हॉस्पिटल की एचओडी है, जब ये कह रही है तो और कौन मेरे केस करेगा। और सारे रास्ते बस हनुमान जी का ध्यान, मेरे हस्बैंड का तो लगातार हनुमान चालीसा सब चलता ही रहता था। फिर अगले दिन हमारे गाजियाबाद में डॉक्टर हैं, डॉक्टर शशि अवधेश, उन्हें तो मैं भगवान स्वरूप मानती हूँ हमेशा, जब भी स्मरण करती हूँ एक भगवान के रूप में। तो मेरे एक भैया भाभी हैं, उनका भी सेकंड बेबी उनके थ्रू ही मतलब हुआ था, और उनका केस बहुत टिपिकल था, बहुत टिपिकल। लेकिन उन्होंने जो मोटिवेट करा, तो उनका सेकंड बेबी हुआ था, फिर वो मुझे लेकर वहां गए, मम्मी पापा हस्बैंड मैं और भैया भाभी, हम सब लोग वहां गए थे। तो डॉक्टर साहब ने मेरा केस समझा सबका, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बस ये मान के चलना पल्लवी, तुमने मरुस्थल में एक पौधा लगाया है और उस पौधे को तुम्हें हर पल सींचना है। देखिए प्रभु ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, जो मुझे इतना मोटिवेट कर रही हैं कि वो मरुस्थल में लगाया ना पौधा, उसे सींचना है बस तुम्हें, सींचोगी ना तो पौधा तो बढ़ेगा ना, बस तुम हर घंटे कुछ लिक्विड पीना है, लिक्विड पीना है, ऐसा कर करके। भैया तब मेरी, मैंने एक दिन की मेरी 35 गोलियां थी। डॉक्टर साहब ने कहा था देखो कुछ भी होगा इन गोलियों से ही होगा, तुम्हारे खाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कोई बात नहीं, आप जैसा कहेंगी मैं मानूंगी। वो जैसा कहती गई, दिन में 2-3 नारियल पानी और मतलब क्या क्या नहीं उस दौरान चला, वो सब चलता रहा। फिर 6 महीने जब कंप्लीट हो गए, तब डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा मैं चाहती हूँ तुम यहीं एडमिट हो जाओ। तो मैं सर्वोदय हॉस्पिटल गाजियाबाद में एडमिट हो गए, हमने प्राइवेट रूम ले लिया, वहीं मैं और मेरी मम्मी कंटिन्यूअसली वहीं रहे। एक महीने के करीब हम लोग वहीं रहे, मेरे हस्बैंड आते जाते रहते थे, पापा आते थे डेली, वो बैंक में थे, कैनरा बैंक में थे मेरे पापा, तो रात में आते थे। फिर चलता रहा चलता रहा। 7 मंथ जब स्टार्ट हुआ, तब 4 अगस्त 2009 को मेरा जब अल्ट्रासाउंड हुआ, क्योंकि सिचुएशन वैसी वैसी फिर आने ही लगी थी, ऑलमोस्ट ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा था, सब कुछ हो रहा था जी। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि अब हम 24 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकते, ओके, अब अंदर सेफ नहीं है बच्चा, बाहर सेफ है। मैंने कहा ठीक है, और मैं इतनी कूल उस समय, मैंने कहा ठीक है जो ये कर रही हैं ये मुझे वो दे देंगी, मुझे इतना विश्वास उन पर अपने प्रभु पर कि मुझे मेरा फल जरूर मिलेगा। तो फिर हाँ, तुरंत मुझे यशोदा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, क्योंकि वहां की नर्सरी बहुत अच्छी है। पहले से ही प्री प्लान था कि होगा तो प्री मैच्योर ही होगा, 9 मंथ तो इतना बहुत मुश्किल था। तो 7 मंथ फिनिश ही हुआ था, तो सिजेरियन डिलीवरी कराई गई 5 अगस्त 2009 को। वो दिन था रक्षाबंधन का, श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। हमारी डॉक्टर साहब भी बहुत रिलीजियस माइंडेड हैं, तो उन्होंने कहा कल पूर्णिमा के दिन करेंगे, सुबह बिल्कुल भोर में करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो सुबह 5:25 पर उसका जन्म हुआ, मेरी बड़ी बेटी का। जी, और उसे मैं हन्नु ही बुलाती हूँ घर में। मतलब मुझे नहीं पता उसका नाम हन्नु का पड़ा, वैसे उसका नाम संस्कृति है, लेकिन हम सब लोग उसे हन्नू ही बुलाते हैं। अब जन्म के बाद
भी सिचुएशन ज्यादा सही नहीं चल रही थी, 1 किलो की थी वो मात्र जन्म के समय, 900 ग्राम की रह गई क्योंकि वेट कम हो जाता है बच्चे का, और शाम होते होते परिस्थितियां और प्रतिकूल होती चली गई। मतलब डॉक्टर साहब कह रहे थे जॉइंटिस हो गया है, तो क्या क्या है ये वो, मतलब क्या बताऊं मैं। तो मेरे हस्बैंड सूरतगढ़ से आ चुके थे तब तक, तो उन्होंने लगातार भैया 2 सुंदरकांड के पाठ करे हॉस्पिटल में ही बैठ के, उसी रूम में मैं लेटी हुई थी, तब तक मुझे होश आ चुका था। और मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही थी कहाँ है, मतलब मेरा बेबी कहाँ है, कि वो ठीक है परेशान मत हो, ऐसे कहने लगी। तब भी मैं सबके चेहरे देख रही, चेहरे सबके बड़े अजीब अजीब से हो रहे थे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन मैं 2 बार पहले फेस कर चुकी थी। तो मैंने इनसे कहा इतना मत करो 2 बार, क्योंकि नहीं मैं 2 बार ही करूंगा। तो जब करके उठे तो डॉक्टर साहब आए जो पीडियाट्रिक्स से, डॉक्टर अरुण कुमार सेकंड गाजियाबाद के ही है, यही उनका नाम है। तो उन्होंने कहा कि अब स्थिति बहुत बेहतर है, तो मतलब काफी कंट्रोल में है स्थिति। तो हमने प्रभु का बहुत धन्यवाद करा, बहुत धन्यवाद करा। तो फिर मैंने कहा मैं फोटो देखना चाहती हूँ एक। तो मेरी मम्मी ने सुबह ही उसके सिरहाने शेरा वाली माता का एक फोटो रखा था, थोड़ा पहचान के लिए भी, क्योंकि सारे वहां तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, पता ही नहीं चलता जी। तो उसका फोटो डॉक्टर साहब ने खिंचवा के भेजा, उसे देख के मुझे बहुत संतोष हुआ। फिर 5वें दिन जब मैं डिस्चार्ज हुई, क्योंकि सिजेरियन बेबी था, तब मैं उससे मिलती हुई घर आई। तो इतना छोटा बच्चा भैया, 1 ही किलो की होगी उस समय भी वो, लेकिन प्रभु का इतना धन्यवाद मैंने करा कि हे प्रभु आज मेरी गोदी में आपकी कृपा। तो जब वो हुई थी तब मैं जब होश में आई तो तब मैंने सोचा आज मेरा नारियल भी गिरा होगा साला सर में। तो मतलब जरूर पूर्ण होती है मनोकामना, मैंने देख लिया ना कि हम जिस परिस्थिति से गुजरे और जो भगवान के प्रति हमारा विश्वास बढ़ा बना जी। वो आज बना हुआ है। मतलब फिर वो लगभग 40 दिन नर्सरी में रही, लेकिन जस्ट फॉर वेट इंक्रीज, क्योंकि वेट बहुत कम था, तो 40 दिन रही वो, लेकिन फिर कोई समस्या ऐसी नहीं आई। मतलब डेली फिर हमें इम्प्रूव ही मिलता, मम्मी पापा तो डेली जाते थे उसे देखने, उसके लिए दूध लेकर जाते थे, तो वो आकर मुझे बताते थे कि आज तो पांव चला रही थी, हाथ चला रही थी, पहले तो ये सुनना ही कितना एक वो था हमारे जीवन में, मिरेकल था कि अच्छा हाथ चला रही थी, अच्छा ऐसे कर रही थी। तो ये सब सुनते सुनते 40 दिन के बाद, मतलब लगभग 9 सितंबर को, 38 डेज के बाद 9 सितंबर को मुझे मिली थी। तो 8 सितंबर को मैं फिर से एडमिट हुई, क्योंकि प्रीमैच्योर बच्चा है, कैसे पालना है, कैसे उसको फीड कराना है, तो मुझे नर्सों ने सब कुछ समझाया। और डॉक्टर साहब ने कहा था कि देखो पल्लवी हम तुम्हें आज दे रहे हैं क्योंकि हम भी कब तक रखें और तुम भी कब तक परेशान रहोगी, लेकिन अपने रूम को बिल्कुल नर्सरी बना लेना तुम जी, साफ सफाई का ध्यान रखना, अच्छे से पालना इसको। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। तो भैया वो यात्रा इतनी कठिन रही, लेकिन प्रभु ने मुझे फल दिया, माँ बनाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। अद्भुत लीला है प्रभु की, मतलब जो कहते हैं ना चमत्कार नहीं होते, ये सबसे बड़ा उदाहरण है उस चीज का। और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर गलत, डॉक्टर रिपोर्ट्स वे सही थे अपने हिसाब से, क्योंकि वे रिपोर्ट लिखते हैं, उन्होंने जो पढ़ाई की, अब वे अपने अनुभव के हिसाब से गाइड करते हैं पेशेंट्स को। मगर इस कलयुग में असंभव को संभव केवल हमारे बजरंग बली कर सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी कृपा, मैं खुद इमोशंस में डूब गया था, आपके भाव देख रहा था, नमन है बहन आपकी भक्ति को, क्योंकि जो एक महिला को वो सौभाग्य मिलता है माँ बनने का, और वो जो एक पीड़ा होती है और उसमें जो चैलेंजेस होते हैं, मतलब हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि क्या पीड़ा होगी। और सल्यूट है आपकी भक्ति को कि इतने हार्ड सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं प्रभु ऐसे लोगों से मिला रहे थे जो आपको उस सिचुएशन से बाहर आने का वो कहते ना, वो आपको इंस्पायर कर रहे थे, और फिर आपको प्रेरणा मिली। सालासर बालाजी, वहां की महिमा अद्भुत है, रौबदार मूछे, प्रभु का जो तेज, उनका दरबार, अद्भुत लीला। तो जब जिनके साथ बजरंग बली खड़े होते हैं ना, तो कोई कार्य असंभव नहीं होता। आपके जो भाव थे अटूट थे, समझ सकते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, हमारे पिछले प्रारब्ध या कर्मों से जुड़ा हमें भोगना पड़ता है,
मगर उसका भी एक अंत आता है। मगर उस जो दौरान में अगर आप धीरज रख रहे हो, प्रभु पर विश्वास रख रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, तो प्रभु जरूर उस पीड़ा से आपको बाहर निकालेंगे, और आपको निकाला भी, और जो सुख आपको चाहिए था वो आपको दिया। आपकी गोद सुनी नहीं रखी उन्होंने, भले थोड़ा समय लगा, तब करना पड़ा, आपके पति को भी तब करना पड़ा, लेकिन कहता ना, दिया तो कल्पना से भी अच्छा दिया। प्लीज कंटिन्यू करें बहन। फिर जब वो थोड़ी सी संभली, लगभग एक साल के बाद हम उसे फिर लेकर सालासर बालाजी गए और हमने फिर से मनी करी, तब हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी गए थे तो वो इतना अद्भुत टूर था हमारा कि देखो हम जो मांगने आए थे हम उसे लेकर अब आपके चरणों में आ रहे हैं। बहुत अच्छा था लगा। ऐसा समझो कि उनके माध्यम से दिया हुआ प्रसाद। जी जी बिल्कुल। और दिन भर हन्नो 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 मुंह से निकलता रहता है, उनका नाम लेते रहते हैं। फिर भैया उसको आप लालन पालन भी थोड़ा तो कठिन रहता है, प्रीमैच्योर बच्चे को। तो मैं सोचती थी चलो भगवान ने मुझे प्रसाद दे दिया, मैं इतनी खुश इतनी संतुष्ट, मतलब कोई मेरी वो नहीं इच्छा की और भी, मतलब मैं दोबारा मुझे सुख मिले या क्या। तो प्रभु ने मतलब मुझे एक बार और अवसर दिया, प्रभु की कृपा ऐसी। और वो प्रेगनेंसी मेरी ऐसी हुई कि मुझे फर्स्ट डे से जब तक मेरी डिलीवरी हुई मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। 17 अक्टूबर 2013 को मेरी दूसरी बेटी ने जन्म लिया। वो था शरद पूर्णिमा का दिन। वो शाम 4:30 बजे का समय था जब कथा वगैरह का टाइम होता है, उसका जन्म उस समय हुआ। और डे वन से डिलीवरी वाले डे तक भी मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ भैया, क्योंकि हनुमान जी का नाम, राम का नाम हर समय मैं लेती थी, हर समय कोई कष्ट नहीं। डॉक्टर उन्हीं डॉक्टर साहब के अंडर में, क्योंकि मुझे उन्हीं पर विश्वास था, वो कहती थी पल्लवी देखो अब टाइम आ रहा है, अब तुम्हारा बीपी बढ़ सकता है, ध्यान रखना। तो मैं मन में सोचती थी बढ़ेगा ही नहीं अब मेरा बीपी मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि कुछ भी नहीं होगा मुझे, और कुछ भी नहीं हुआ भैया। डिलीवरी भी आराम से हुई, सब कुछ आराम से हो गया। और वो छोटी वाली बेटी अब 10 साल की है, बड़ी वाली 14 साल की है। आपका जो विश्वास है प्रभु के प्रति, प्रभु ने वो विश्वास टूटने नहीं दिया। जो पीड़ा लिखी हुई थी, जो जीवन में एक फेज जो भोगना था, वो आपने धीरज रखकर वो समय पसार कर लिया। तो अभी मतलब आज मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं। आपके जो भाव है ना बहन, जिस तरह आप अपने पूरी जर्नी का, जो प्रेगनेंसी वाली जर्नी रही है, पहली संतान और दूसरी संतान, मतलब आज आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि आपके माध्यम से कई महिला भक्त को मोटिवेशन मिल सकता है। और आपकी जो जर्नी रही है, बचपन वाली, सुंदरकांड वाली, संकल्प वाली, सालासर मंदिर, आपके हस्बैंड जो चल के जाते थे उनका भी तब फला है देखा जाए तो। अद्भुत लीला, प्लीज कंटिन्यू करें। और भी कोई अनुभव तो शेयर करिए। हाँ जी भैया, एक दूसरा अनुभव मैं शेयर करने जा रही हूँ अपने पापा से रिलेटेड। मेरे पापा का नाम श्री पवन कुमार कौशिक है। तो अभी 2 साल पहले जब कोरोना का टाइम चल रहा था, तो 27 अप्रैल 2021 को उनका मतलब अंतिम दिन था। लेकिन मैं आपको और सभी भक्त जनों को इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि वो एक हनुमान भक्त थे, रामायण प्रेमी थे। वो कभी भी कोई भी कष्ट आया रामायण पढ़ते थे वो, सुंदर कांड, और मतलब वो कुछ भी नहीं, हम बचपन से उन्हें ऐसे ही देख रहे थे। और जब हनुमान जयंती आती थी, कोई भी त्योहार होता था, चाहे वो होली हो दिवाली, सबसे पहले हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा के रोट चढ़ाते थे वो उन्हें 12 बजे के बाद। तो 13 अप्रैल से 2001 से चैत्र के नवरात्र शुरू हुए थे। तो बिल्कुल वो लास्ट टाइम तक बिल्कुल स्वस्थ, कोई गोली दवाई नहीं, बिल्कुल सही रहे। तो उन्होंने मम्मी से कहा मेरी रामायण पढ़ने की इच्छा हो रही है इन नवरात्रों में। तो मम्मी ने ठीक है, क्योंकि हमारे घर के लिए मतलब नॉर्मल बात थी, रामायण तो पढ़ी जाती थी हर चीज पर मैं। तो 5वें दिन से मतलब थोड़ा उनकी तबीयत ढीली सी होने लगी। 5 अध्याय उन्होंने पढ़ लिए थे, 5 अध्याय के बाद वो डोरी खींची हुई थी जी।
18 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, तो वो पहला बर्थडे था जब पापा फोन नहीं कर पाए थे, क्योंकि 17 अप्रैल से थोड़ा सा उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, हल्का सा बुखार और ये सब, ज्यादा नहीं, उसमें भी वो फिर भी उन्होंने बात करी थी, बिल्कुल सही रहा सब कुछ, जर्नी बहुत अच्छी रही। इधर मैं भी भगवान से बराबर जुड़ी हुई थी, कुछ ना कुछ कर ही रही थी, तो 26 अप्रैल की शाम को मुझे कुछ सपना सा आ गया। जी। पता नहीं कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि मुझे कुछ आभास हो जाता है। जी। जब मेरे दादाजी का हुआ था तब भी मुझे कुछ उसी तरह का ही सपना आया था। ओके। जो 26 अप्रैल की शाम को मुझे आ गया था, मैं किसी से कह तो नहीं सकती थी, अब मैं भगवत बार बार कह रही है झूठा हो सपना, झूठा हो। फिर अगले दिन, उसी दिन फिर रात को हमने बहुत प्रयास करे कहीं हमें हॉस्पिटल में जगह मिल जाए, कुछ हम पापा को एक बार दिखा लें डॉक्टर को क्या दिक्कत हो रही है, कर प्रयास करते रहे कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर 26 अप्रैल की रात को मैंने इनसे कहा 2 बजे के करीब, आप कहीं से भी टैक्सी बुक करो, हमें जाना है। तब भैया कोरोना बिल्कुल पीक पे था, 27 अप्रैल के दिन सबसे ज्यादा केस थे, 4.5 लाख केस, कोई टैक्सी नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी एक आ गए टैक्सी वाले, मान गए। अब बच्चों को मैं नहीं ले जा सकती थी, बच्चों को मैंने रुड़की में ड्रॉप कर दिया दादा दादी के पास, मैं और ये चले गए। वहां जाके सिचुएशन ठीक तो थी नहीं, मन मैं पहले ही पक्का कर चुकी थी, जैसे मेरे प्रभु ने मेरा मन पक्का कर दिया था पहले। आते जाते यशोदा, मेरे भाई ने कॉन्टेक्ट बनाए, तो यशोदा हॉस्पिटल में एक बेड मिल गया। तो हमने कहा हम पापा को लेकर चलते हैं, जब एक बेड मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, तो हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं। जी। मेरे भाई ने, भाई ड्राइविंग सीट पे था, उनके बगल में मेरे गुरु भाई हैं दो, तो बड़े वाले भैया बैठे, पीछे मैं बैठी, बगल में मेरे पापा बैठे। खुद चल के आए अंदर से बाहर गाड़ी में, मम्मी को बाय करा और हम लोग हॉस्पिटल की तरफ चल दिए, बिल्कुल ठीक भैया। रास्ते में मैंने उन्हें भजन सुनाया, पानी पिलाया, यशोदा हॉस्पिटल जब आ गया तो उन्होंने कहा यहाँ मैं ठीक हो जाऊंगा बेटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये बोला है। और आराम से भैया हम हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गए, लेकिन उनके पैर, उन्होंने पैर बाहर नहीं निकाला, इतना इजी रहा सब कुछ, पता ही नहीं चला, उन्होंने वहीं बैठे बैठे ही समाधि ले ली। तो मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जब अध्यात्म से हम लोग जुड़े रहते हैं तो हमारा हर सफर कितना आसान हो जाता है, पता ही नहीं चला। फिर डॉक्टर आए खैर बाहर, उन्होंने चेक करा, क्योंकि हम इतना तो हमें ज्ञान नहीं है। डॉक्टर ने कहा ऐसा है आप लोग चले जाओ अब यहाँ से, क्योंकि कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो आपको जाने भी नहीं देंगे यहाँ से। तो हमने बस गाड़ी मोड़ ली तुरंत, मेरी मम्मी को हमने बुला लिया घर से। उस समय भैया मेरी मम्मी बहुत आध्यात्मिक है, बहुत ज्यादा, मैंने उस समय अध्यात्म का जो एक असर देखा कि कितना पावरफुल होता है अगर हम अध्यात्म से, ईश्वर से जुड़े रहते हैं हर समय। मम्मी आई और नॉर्मल खड़ी है, बस पापा को देखा और कहा कोई बात नहीं, ये तो होना ही था एक ना एक दिन, या तो मेरे साथ या पापा के साथ। तो मैं उन्हें देख रही हूं, मैंने कहा ये रो क्यों नहीं रही है, नॉर्मली तो हर किसी के आंख में आंसू आ जाते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुई लेकिन पल दो पल के लिए, और उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। फिर उन्होंने मेरे भाई से कहा तुम इन्हें लेकर जाओ, मैं और मेरी मम्मी घर आ गए। घर आके भी मैं उन्हें बराबर देख रही हूँ, आके वो बैठ गई, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। और वहां मेरा भाई ने और गुरु भाई ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर अच्छे से सब उनका कर दिया। और प्रभु की ऐसी कृपा देखिए, उस समय कहां से मेरा भाई पंडित जी का अरेंजमेंट करता, क्या करता, तो वो जो दो हमारे गुरु भाई हैं वो पंडित ही हैं, तो उन्होंने इतने अच्छे विधि विधान से सारा कार्यक्रम पापा का करा दिया, तो मन को संतुष्टि हुई, जो होना था वो तो हो गया था। लेकिन वो दिन इतना मुश्किल था भैया, कहीं से कुछ भी चीज मिलना भी मुश्किल हो रहा था, इवन अंतिम संस्कार के लिए जगह तक मिलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन
ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले से ही वहां सेट था। जो जगह थी वो भी बिल्कुल जैसे उनके लिए ही रखी गई हो, तैयार हो, बिल्कुल सब कुछ अच्छे से हो गया। मतलब आप देखिए, उन्होंने हमें भी परेशान नहीं करा। मैं देहरादून से गई, मेरा भाई गुड़गांव से आया, सुबह सब कुछ नॉर्मल, पापा उठे, सूर्य भगवान के दर्शन करें। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, अध्यात्म ईश्वर से जुड़े रहने से अंतिम यात्रा भी कितनी आसान हो जाती है, ये मेरा अनुभव। फिर क्या हुआ भैया, समय तो मुश्किल भरा बीत ही रहा था, 2021 2022 तक दिमाग परेशान ही रहता था, हर चीज से मन अट गया था, कहीं अच्छा नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे यूट्यूब देखती रहती थी तो आपका वीडियोस में आने लगा, सीक्रेट मिस्ट्री नाम से। मैंने कहा ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं। फिर मैं स्क्रॉल कर देती थी क्योंकि किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। फिर मैं सोचती थी ये चैनल में क्या बताया जाता है, क्या सीक्रेट मिस्ट्रीज है इसमें। मतलब ऐसा मन में मेरे आया, मुझे बहुत अट्रैक्ट करा इस नाम ने। फिर एक दिन मैंने आपका चैनल खोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे मन को बहुत शांति मिली। फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद फिर तो वो हैबिट में आ गया। क्या हुआ, मैं और मम्मी एक ही टॉपिक पे रोज हम बातें करते थे, शेयर करते थे। फिर आपके वीडियोस की मैं बातें बताने लगी तो इससे मम्मी को भी बहुत अच्छा लगने लगा और हमारा टॉपिक चेंज हो गया थोड़ा और मन को बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैं आपके वीडियोस मम्मी को, अपनी फ्रेंड्स को, सबको भेजने लगी जी। तो सबको बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे तो मन को इतनी शांति मिलने लगी और धीरे धीरे मतलब लगने लगा कि हाँ चलो ये एक नेचुरल चीज होती है, एक्सेप्ट करना ही है जी। तो मतलब बहुत आसान हो गया मुझे वो समय निकालना आपकी वीडियोस देखने के बाद। फिर उसी दौरान भैया मुझे एक दिन एक सपना आया, मुझे पापा अक्सर आते थे सपने में तब, तो मुझे ऐसा सपना आया कि जैसे किसी टीले पर मेरे पापा बैठे हैं, नीचे धोती पहन रखी है, वो पूजा के समय धोती पहनते थे अक्सर, जनेऊ पहनते थे, तो जनेऊ भी है, धोती है, पीछे से पापा, भाई मैं पहचानती हूँ पापा को जी। पापा बैठे थे उस टीले पर, तो पीछे से आके मैंने इस कंधे पे हाथ मारा कि पापा ऐसे, तो उन्होंने ऐसे सिर पीछे करा मुझे देखने के लिए, तो जब सिर ऐसे घुमाया तो चेहरा पापा का नहीं था, चेहरा किसी और का था। तो मैं सोचने लगी, जब मैं उठी मुझे वो सपना पूरा याद था, मैंने कहा पीछे से शरीर तो पापा का था लेकिन चेहरा तो पापा का नहीं था जी। फिर दिन बीत गए, यूट्यूब पे देखती रहती थी आपके चैनल और फिर हनुमान जी से रिलेटेड, फिर मेरा इतना मन लगने लगा हनुमान जी की भक्ति में। मतलब मैंने ये पाया आपके वीडियो देखने के बाद कि जो चीज ना मेरे दिमाग से विस्मृत हो गई थी, जिस चीज में, जिस माहौल में मैं बचपन से पली बड़ी थी, उसको फिर से मिलाने में आपके वीडियोस का आपका बहुत बहुत बड़ा सहयोग है भैया, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो जब मैं वीडियोस देख रही थी तो एक दिन नीप करवाली बाबा का वीडियो आया जी। और मैंने चेहरा पहचान लिया, मैंने कहा यही चेहरा था, हाँ शरीर पापा का था लेकिन चेहरा इन्हीं बाबा का था। मैंने इनसे कहा, कहने लगे पक्का, मैंने कहा पक्का, मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, आप ये बताओ इतने सारे वीडियोस जाते मैंने इन्हीं के लिए क्यों कहा ऐसा। मैंने कहा मुझे इनके धाम जाना है, इनका धाम कहाँ है मुझे नहीं पता है जी। आप देखो मुझे जाना है जी। ये बात है पिछले साल अक्टूबर की होगी भैया ये बात। तो हम मन बनाने लगे कि हमें कैंची धाम जाना है जी। फिर हम कैंची धाम के वीडियो देखने लगे, हमें पता नहीं था कैंची धाम कहाँ है। तो फिर पता चला ऐसे 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 ट्रेन है वहां से, फिर वाया कार आते हैं इस तरह से। फिर उन्हें दौरान 17 नवंबर को विराट कोहली आए कैंची धाम, तो मेरे हस्बैंड क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन है तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि देखो विराट कोहली भी कैंची धाम आए हैं और उसके बाद उनका कैरियर का ग्राफ देखिए बाबा की कृपा से। तो फिर हम आए कैंची धाम, आए हम लोग 9 दिसंबर 2022 को
केजी धाम पहुंच गए भैया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे पापा यहीं हैं, बाबा में ही समाए हुए हैं। मैं बाबा को अपने पापा ही मानती हूँ, बस पिता का ही स्वरूप है वो मेरे। फिर जब हम आके जिस होम स्टे में रुके थे, वहां जो भैया थे उन्होंने हमें चाय वगैरह पिलाई, नाश्ता कराया। फिर उन्होंने कहा ऐसा भी आप लोग रेस्ट कर लीजिए, शाम को जाना शाम की आरती में। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम लोग वहां पर, आग लग गई मेरी, जैसे ही आग लगी मुझे सपना आता है, वही होम स्टे जहां हम रुके थे उसका जो रिसेप्शन वाला एरिया था वो मेरे सपने में आता है। वही भैया खड़े हैं और एक फलों से भरी टोकरी रखी है जमीन पर। तो मैं भैया से कह रही हूँ कि ये टोकरी किसकी है भैया। तो मेरे पीछे अंधेरा आया, बिल्कुल अंधेरा। तो वहां से आवाज आती है कि ये तुम्हारी तो है, तुम्हारे लिए तो रखी है मैंने। और मैं सपने में कह रही मेरे लिए रखी है, तो मतलब मुझे बिल्कुल गूज बम्स आ गए सपने में ही। तुरंत मैं उठी, बाहर गई, वही प्रांगण जो मेरे सपने में आया वही था वो। और मैंने उन भैया से, भैया आप तो अभी मेरे सपने में आए हो, यहाँ फलों से भरी टोकरी रखी थी मेरे लिए बाबा ने, पता नहीं इसमें तो भैया कह रहे ये सच में बाबा ने आपके लिए रखी है। जो आपको सपना आया बहुत कम लोगों को आता है, क्योंकि बाबा प्रसाद में फल ही देते थे। जैसे संतरा सेब इस तरह के फल उस टोकरी में रखे हुए थे। तो बहुत अच्छा लगा। फिर शाम को हम लोग गए, हमने दर्शन करे बाबा के सामने जाके, तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मैं कंबल लाई थी उनके लिए, लड्डू बना के लाई थी, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने पापा के घर में आ गई हूँ, मेरे पापा यहीं कहीं है। बहुत अच्छा लगा भैया। अगले दिन हम काकड़ी घाट सब हमने यहाँ दर्शन करे और हम चले गए। अब देखिए क्या चमत्कार, हमें क्या पता था कि इसी रूट पर ही हमको आना है। अब अगला इस साल हमारा पोस्टिंग यही कौसानी में हो गई। आप चमत्कार, अब यहाँ से हम हल्द्वानी जाते हैं, वहां से ट्रेन पकड़ते हैं, वही ट्रेन पकड़ते हैं। पास बुला लिया आपको, पास बुला लिया, आते हुए भी जाते हुए भी कैची धाम के दर्शन। और बाबा की मूर्ति इस तरह से स्थापित है कि रोड से भी बढ़िया दर्शन होते हैं बाबा के। इतना अच्छा लगता है मुझे उस समय। और भैया एक बात और, जब मेरे हस्बैंड यहाँ ज्वाइन करने के लिए आ रहे थे, जिस दिन आ रहे थे उस दिन सुबह 4 बजे मुझे सपना आ रहा था धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के। मतलब इतना मैं उन्हें उस समय तो स्मरण नहीं कर रही थी, और नींद में सुबह 4 से 5 बजे तक 1 घंटे का भैया पूरा सपना धीरेन्द्र शास्त्री जी का। बस तरह तरह के उनके रूप आ रहे थे, कहीं वो प्रवचन दे रहे हैं, कहीं कुछ बात कर रहे हैं, इस तरह से। तो देखिए हमारा एक तो बाबा के दर्शन होते हैं इस रूट पर, और हमारा डिस्ट्रिक्ट भी बागेश्वर लगता है यहाँ। कितनी अद्भुत लीला है ये। बहुत बड़ी कृपा कह सकते हैं। मैं तो इमेजिन कर रहा था, आप अपने अनुभव का जिस तरह वर्णन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था एक पिक्चर चल रही है, उस भाव का अनुभूति मुझे हो रही थी। मैं भी इमोशनल हो रहा था आपके साथ, वो चीज मुझे नजर आ रही थी कि होता है, दुख होता है जब हम अपने अपनों को खो देते हैं, लेकिन नियति को कोई टाल नहीं सकता। हर एक को जाना है, कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, हमें भी एक दिन जाना है। मगर अच्छी बात ये लगी कि आपने जिस तरह आध्यात्मिक के मार्ग पर आखिरी समय कैसे गुजरता है, कैसे आसान होता है, जिस तरह अपने शब्दों में वर्णन किया, ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है। जो कहते हैं ना आखिरी मोमेंट से डरना, या जो एक भय होता है वो चला जाता है जब हम प्रभु की शरण में रहते हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके पिताजी को हनुमान जी खुद लेने आए होंगे, और वे राम जी के चरणों तक वे ही लेकर गए होंगे। क्योंकि जिस तरह आपने उनकी भक्ति का बखान शुरुआत से किए जा रहे थे, आखिरी मोमेंट पर भी वे रामायण प्रेमी थे, उन्होंने सुनी, गाड़ी में भी आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया, जल पिलाया, तो सोचो। क्योंकि सबसे टफ से हम कहते हैं ना कि जीवन कठिन है, मगर हम वो आखिरी समय भूल जाते हैं।
कई लोगों को बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है उस आखिरी समय में, सालों सालों तक बेड पर रहते हैं, वे अपने बॉडी पर उनका कंट्रोल नहीं होता, फैमिली पर बोझ बन जाते हैं कई लोग, फैमिली को सेवा करनी पड़ती है, वो पीड़ा अलग। और आध्यात्मिक जगत, हम अगर रिलीजियस पहले से रहे हैं, अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया है, तो जो आखिरी समय भी आसान हो जाता, जैसा आपने कहा वे चल फिर रहे थे, सब कुछ सही था, तो सोचो ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की, बहुत बड़ी, आपके पूरे परिवार पर, आपको भक्ति आप विरासत में मिली है आपके पिताजी और दादाजी के माध्यम से, और यही प्रार्थना है, बस यही चीज आप अपनी संतान में भी आगे पहुंचाइएगा कि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, अगर आपने प्रभु का हाथ थामा है, प्रभु कभी भी आपको मतलब हर सिचुएशन में आपको वो निकालेंगे, आपको संकट से निकालेंगे, और हर सिचुएशन में वे आपको वो स्ट्रेंथ देंगे, वो कॉन्फिडेंस लेवल देंगे उस समय से बाहर आने के लिए। अद्भुत लीला, आज पता नहीं मैं खुद भावुक हो रहा था, मैं सुनते ही जा रहा था, मैं एक और प्लस आपने नीम करोड़ी बाबा जी का बखान किया, मैं बहुत इमोशनल हो रहा था जब आपने कहा कि मैं अपने पिताजी को बुलाने गई और जब मैंने हाथ रखा, प्लीज कंटिन्यू। एक चीज और भैया, 27 अप्रैल 2021 का दिन पता है क्या था? मंगलवार का दिन हनुमान जयंती थी। क्या बात है? समय था 12:50 जब पापा सिंदूर चढ़ाते थे और रोट चढ़ाते थे, समय देखिए आप, दिन 27 अप्रैल 2021 मंगलवार का दिन हनुमान जयंती के दिन। अद्भुत, मैंने कहा था ना बे, जैसे हम दादा कहते हैं, अब बाबा कहते हैं, बब्बा कहते हैं एमपी में या नॉर्थ में, हम दादा कहते हैं, हनुमान जी हनुमान दादा उन्हें खुद लेने आए होंगे जी, क्योंकि क्योंकि मुझे ही नहीं पता चला, मैं तो अपने पापा के बगल में ही थी जी, मैंने जब देखा बस तो समाधि लिए बैठे, मुझे तो पता ही नहीं चला। राम जी के चरणों में वे लेकर गए उन्हें जी, जी, हनुमान जी। और जब मुझे वो रूप दिखाया है ना अपना, कि देखो तुम्हारे पापा मेरे में ही समाये हुए हैं, अब तो मेरा मन में वो जो बोझ था वो बिल्कुल नहीं रहता भैया, और हर समय मैं जहाँ कहीं भी रहूं बस आपका वीडियो ही चलता रहता है, मेरे फोन में और कोई वीडियो चलता ही नहीं है, किचन में लोग जाते हैं दोनों बच्चे और हस्बैंड, और बस शुरू हो जाता है। जब मैं यहाँ आई भैया, ये हिल एरिया है तो मेरे पैरों में बहुत दर्द रहने लगा, मसल्स पेन इतना ज्यादा, और वो बढ़ता ही जा रहा था, आंखों से मेरे पानी आता रहता था, इतना तेज दर्द, मैं पेन किलर भी ले लेती थी तब भी दर्द नहीं जा रहा था। एक दिन मैंने सोचा आज मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी, केवल वीडियो देखूंगी और घसारे काम करूंगी। 8 बजे से भैया 2 बज गए, क्योंकि हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, सारा घर फैला हुआ था, मैं काम में लगी रही, और मैं 2 बजे ये सोच रही मेरा दर्द कहाँ चला गया। मैंने कहा देखा ये है प्रभु की भक्ति का कमाल, घरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, और आपकी भावना थी, आपने वो अनुभूति की कि मेरे पापा यहीं पे है, उस धाम में है, तो प्रभु ने आपको और निकट बुला लिया कि आप बार बार हनुमान दादा के दर्शन करो, नीम करोली के बाबा के दर्शन करो, और अपने पिताजी की भी वो अनुभूति फील करो, वो मुझे वाइब्रेशंस आती हैं। और भैया जो कौसानी का हमारा ट्रांसफर हुआ है, मेरे हस्बैंड ने 5 चॉइस भरी पूछी जाती हैं, 5 चॉइस अपने एरिया की भरी थी, जैसे हरिद्वार दिल्ली ये सब भरी थी हमने, कौसानी तो हमारे सपने के सपने में भी कहीं नहीं था, हमने तो नाम भी नहीं सुना था, यहाँ क्यों बुलाया भगवान ने, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया, मैं बाबा से रोज कहती हूँ कि क्यों बुलाया आपने, और फिर मैं हंसती हुई देख कि मुझे पता है आपने मुझे क्यों बुलाया। सारी व्यवस्था उन्होंने की है, प्रभु की लीला प्रभु जाने, और थैंक यू बहन जो आपने इतने प्यारे और जीवन की सत्यता से जुड़े जो अनुभव शेयर किए हैं, प्रभु की जो महिमा से जुड़े अनुभव शेयर किए हैं, अद्भुत है। मतलब आज जो भी भक्त आपके अनुभवों को सुना होगा, वे जरूर आज कमेंट के माध्यम से अपने विचार बताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि कई लोगों का जीवन बदल सकता है।
थैंक यू आप जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, हम नियमित हैं, हम दास के दास हैं, थोड़ी सी सेवा का मौका मिला है वो कर रहे हैं, बाकी आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं आपको नमन है, क्योंकि आप जैसे भक्त आगे आते हैं तब जाके ये संभव हो रहा है, बाकी व्यवस्था सारी प्रभु करा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, कुछ चीज आपने बताई लेकिन कुछ चीज और जानना चाहेंगे, जैसे बाकी भक्तों के आपने अनुभव देखे हैं, उनसे आपको क्या वैसी प्रेरणा मिली, मतलब ऐसी और क्या फीलिंग हुई, जैसे कुछ चीजें आपने बताई, अगर कुछ शब्द बाकी है तो आप बता सकते हैं। बहुत प्रेरणा मिलती है भैया, हर वीडियो से नई प्रेरणा मिलती है, हर वीडियो से नया मोटिवेशन मिलता है। कुछ वीडियो हैं जैसे डॉक्टर केतन शुक्ला कानपुर के फिजियोथेरेपिस्ट, उनका वीडियो तो मैं कितनी बार देख चुकी हूँ मुझे नहीं पता। मैंने उनसे कॉन्टेक्ट भी करा था, मेरी बेटी के पैर राइट, छोटी वाली बेटी का कोरोना टाइम में भैया मुझे नहीं पता क्या हुआ, उसका राइट नी बेंड हो गया है। ओके। तो वो मतलब नी ऐसा रहता है जी, इस तरह से जी, जी। सीधा रहता है। तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट करा था, तो उन्होंने कहा था आप मेरी वीडियोस देखे इस तरह से, तो उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह भी चल रही थी देहरादून में जी। तो उसका छोटा सा अनुभव है जो मैं बहुत कम शब्दों में बताना चाह रही हूँ। अभी मई में फर्स्ट वीक में उसका एक टाइप से आप ये समझ लीजिए 10 या 11 मई के आसपास ऑपरेशन डन था मेरी छोटी बेटी का, क्योंकि उसका पैर सीधा नहीं हो पा रहा है। उससे उसकी चाल हल्का सा चाल में फर्क आ गया है। तो मैंने MRI कराई, हमने सब कुछ करा लिया, दिल्ली गए, सब जगह दिखाया, देहरादून में दिखाया सिनर्जी हॉस्पिटल में, तो सबने कहा कि देखिए इसकी सर्जरी ही होगी। तो हमने अपना माइंडसेट कर लिया था, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं रोज हनुमान जी से ये कहती थी आप सब कुछ कर सकते हो, आप इतना बड़ा पहाड़ उठा सकते हो, समुद्र पार कर सकते हो, क्या कुछ नहीं कर सकते, आप इसका ऑपरेशन नहीं डाल सकते, किसी तरह से इसका ऑपरेशन डाल दो प्रभु। तो उसके ऑपरेशन से जस्ट एक दिन पहले देहरादून में केयर फिजियोथेरेपी सेंटर है, सिनर्जी हॉस्पिटल का ये काफी अच्छा सेंटर है, तो वहां जो डॉक्टर हैं वो हमारे केवी के ही टीचर हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, उनकी बेटी है। ओके। मुझे शाम को कॉल करा था, तब वो मार्केट गई हुई थी, तो उसने की मम्मी कहा था कॉल बैक करेगी आपको, अब उसने कॉल बैक करी नहीं, और मैं हनुमान जी से कह रही अब तो रात भी हो गई है, उसने कॉल भी नहीं करी है, कोई तो रास्ता दिखा, तो इसका ऑपरेशन ना करवाओ, क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग मैक्स जाने वाले हैं, मैक्स हॉस्पिटल अच्छा है भैया। 9:30 बजे उसका कॉल आता है, डॉक्टर शुभांगी है वो फिजियोथेरेपिस्ट, 9:30 से 11 बजे तक उसने मेरा मेरे हस्बैंड का माइंड डाइवर्ट कर दिया कि आप इसका ऑपरेशन मत करा, मुझे कुछ समय दे दो आप। okay. तब आपको जो मनाया करना, हमारा दिमाग चेंज हो गया। okay. मैं गई हनुमान जी का एक दिया जलाया, आपको जो करना था आपने अब कर दिया। तो अगले दिन हम लोग मैक्स हॉस्पिटल के बजाय फिजियोथेरेपी सेंटर चले गए, और हमने वहां इसका लगभग 3 महीने कराया ट्रीटमेंट, तो इसका जो 35 डिग्री था एंगल घुटने का, तो वो 8 या 9 पर उन्होंने छोड़ा। okay. फिर हमारी यहाँ हो गई, मतलब 35 से 8 या 9 हो गया है इसका एंगल, इतना कम हो गया है, काफी ठीक है अब इसका पैर, और मुझे विश्वास है प्रभु ठीक कर देंगे हनुमान जी, 100% करेंगे, यहाँ तक लाया है उन्होंने तो आगे भी वही ले जाएंगे, सब सही कर देंगे। मैंने प्रभु आपने ऑपरेशन डाल दिया, बस अब आप सही कर दोगे मुझे पता है, वरना भैया सारे अरेंजमेंट हमने कर लिए थे, ऑपरेशन 11 या 12 में हो जाता इसका, डाल दिया सब। तो फिर जी, तो केतन भैया ने कहा ना कि प्रभु ने देखिए कितना चमत्कार करा उनकी लाइफ में, कि उन्होंने 5 जगह OPD करी है, तो हल्द्वानी में भी करी है उन्होंने, तो जब वो ये कहते हैं ना तो मैं उनसे कहती हूँ कौसानी में भी कर लेना एक बार, देखो आपको जरूर देखना है, मतलब मैं उनसे कहती हूँ उसको, मैं क्योंकि मैं उनका वीडियो बहुत देखती हूँ कि कैसे एक डॉक्टर और कितना रिलीजियस माइंडेड है, कि वो कितनी सेवा कर रहे हैं, एक करण लार्ड का जो अफ्रीका में रहते हैं उनके अफ्रीका में, जी रवांडा, तो मेरे जी जी जी, और एक दीपक शर्मा जो पैदल बागेश्वर धाम गए थे जोधपुर, उनका तो भैया मैंने पता नहीं 10 बार 20 बार पता नहीं कितनी बार देख लिया होगा, और हर बार रोती हूँ मैं जब वो अपने अनुभव बताते हैं,
इस तरह से बहुत वीडियो है। या एक फादर और डॉटर का है वीडियो, यस गुजरात में है, यस क्या ये कितने वो लोग। मुझे तो सौभाग्य भी मिला उनसे मिलने के लिए, बड़ौदा के है, मुझे वो सौभाग्य मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अद्भुत अनुभव शेयर किया और आपने जिन भक्तों का नाम लिया वे सभी परम भक्त हैं, दीपक जी कहें, करण लाड जी कहें। उस करण लाड जी का मैंने दो बार अनुभव शेयर किया, हाल ही में कुछ दिन पहले कल्पित लीला उन्होंने शेयर की थी साड़नपुर हनुमान जी से जुड़ी, और डॉक्टर केतन के बारे में भी क्या कहें, मतलब उन्होंने भी बहुत अद्भुत लीला, स्पेशली हनुमान जी की महिमा का बखान किया, गंगा जल का महत्व समझाया था और कैसे नेगेटिव एनर्जी हम पर हावी होती है, और मतलब डॉक्टर होने के बावजूद उनका जो भरोसा है, और यही जो यही इसलिए तो प्रभु मतलब बहुत साथ दे रहे हैं। आज उनका जो नेचर है बहुत सेवा भावी है, और यस बहुत परम तो वीडियो तो जरूर देखेंगे एक बार, कौसानी भी मैं भी अपनी ओपीडी जरूर करना आपके माध्यम से। हनुमान जी से प्रार्थना करें, वे सारी व्यवस्था करा देंगे, कराएंगे, और इसका जो भी और कसर रह गई है पैर में वो भी ठीक हो जाएगी, मेरे को उन पे इतना विश्वास है। देखिए आप, मैंने पहले क्या कहा, वे यहाँ तक आपको लेकर आए हैं, अगर नहीं लाता, अगर नहीं प्रभु की इच्छा होती तो आप यहाँ तक भी नहीं आते। आपकी जर्नी देखो, इससे कठिन जर्नी 2009 की थी, जब वो असंभव, इतना बड़ा असंभव कार्य वे संभव कर सकते हैं, ये तो आप चिंता ना करें। बस अपनी बेटी से कहें आप भी प्रभु के नाम का स्मरण करते रहें, जितना हो सके नाम जप करें, राम नाम का स्मरण करते रहें, बहुत शक्ति मिलेगी, राम नाम में अपार शक्ति है, हनुमान जी भी बहुत राजी होंगे, और धीरे धीरे ये जो 35% जो आगे बढ़ा है वो धीरे धीरे आसानी से कब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है हनुमान जी पर, एक दिन आपसे फिर से मैं बैठूंगा, आप अपने प्रभु की लीला फिर से आप गुणगान करने में आपसे जुड़ना चाहूँ, ये मेरी इच्छा, प्रभु जरूर करेंगे। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। और एक लास्ट सवाल, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है मगर फिर भी वन लाइन में हमारे बालाजी महाराज का अगर बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यस, जब वे साथ है तो किस बात का डर, उनका साथ है जी। दो लाइन और सुनाना चाहती हूँ, एक भजन है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। आगे बहुत प्यारी लाइन्स है इसमें तो हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। बिल्कुल, उन्हें सब पता है हमें क्या चाहिए, मेरे भक्त को क्या चाहिए। बहुत अच्छी लाइंस आपने उनका बखान किया है, हनुमान जी का भी बखान किया, हमारे श्री राम जी का भी बखान किया। आज हनुमान जी बहुत राजी होंगे, वे जरूर आज आपके श्रीमुख से आपकी वाणी को सुन रहे होंगे, बहुत अद्भुत लीला। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो बहन हमसे जुड़ेगा, हम वीडियो के माध्यम से भक्तों तक आपके अनुभव को पहुंचाएंगे। और सेशन तो आज एंड करने का मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों आज बस सुनते जाए आपके मुख से, जो बहुत प्यारा सत्संग रहा। मगर फिर भी इन फ्यूचर नई अनुभूतियां हो तो प्लीज जुड़िएगा, मैं सामने से कहता हूँ, हम जरूर पहुंचाएंगे आपकी वाणी को भक्तों तक। और सेशन को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर ही सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, भारत में है, भारत के बाहर है, प्लीज जुड़िए, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सालासर बालाजी महाराज की जय, बोलो नीम करोली बाबा की।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान।